हाय एवरीवन, दिस इज़ विशाखा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि मैंने कहा था कि स्पॉट राउंड आएगा, और स्पॉट राउंड आ गया है। कल सुबह, यानी आज सुबह 3 बजे, सुबह के 3 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रेस रिलीज़ किया था। उतने सुबह सुबह तो देखना बहुत मुश्किल था, मैंने भी सुबह सुबह उठ के देखा। प्रेस रिलीज़ किया कि अब स्पॉट राउंड अनाउंस किया उन्होंने, कि अब स्पॉट राउंड होगी उन बच्चों के लिए जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही। और हाँ, साथ ही बता दूँ कि अभी भी 25,000 प्लस सीट्स अवेलेबल है। अभी भी काफ़ी बच्चों ने विड्रॉल करा है, और अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप चाहते हो कि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना, अपना दूसरा चांस देना चाहते हो, तो विड्रॉल करके स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो इफ़ यू वांट। कोई ऐसा नहीं है, ठीक है? और इतना ध्यान रखिएगा कि अभी स्पॉट राउंड तो आ गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि स्पॉट राउंड में आपको क्या क्या करना है, और कैसे कैसे, और डेट क्या है आपको स्पॉट राउंड में, कैसे विड्रॉ करना है, प्रेफरेंस क्या डालनी है, हर एक चीज़ बताऊंगी इस वीडियो को। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल मिस मत करना, कोई भी पॉइंट मत छोड़ना। हो सकता है क्योंकि ये आखिरी मौका है आपके पास। अगर स्पॉट राउंड में अगर नहीं किए तो फिर हो सकता है कि दिक्कत हो जाएगा, पर वो गलती आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है? तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने अभी जस्ट कुछ दिन पहले अल्फा बैच लॉन्च करा था। काफ़ी बच्चों ने एनरोल कर लिया, हमारे पास लिमिटेड सीट बाकी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी रीज़न से आपका बैच में एनरोलमेंट ना हो, क्योंकि पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अगर आज से पढ़ाई नहीं शुरू करोगे तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोच रहे हो जाने का, वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर साल कट ऑफ हाई जाता है और हर साल कॉम्पिटिशन आगे बढ़ता है। ये नहीं कि कॉम्पिटिशन कम होगा। 13 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था, हो सकता है नेक्स्ट ईयर 15 लाख हो जाए। तो उस भीड़ में आपको टॉप कॉलेजेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो। हमारा अल्फा बैच ज्वाइन करने के दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है। सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, साथ ही साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको करंट अफेयर्स एच एंड एवरीथिंग कवर करवाए, इवन एनसीईआरटी के रिलेटेड चैप्टर्स भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, हर एक चीज। इवन आपके मृन्मय भैया भी आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं अल्फा बैच के अंदर में। तो मिस मत करो, ज्वाइन करने के लिए आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करना है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आपका स्पॉट राउंड कब शुरू हो रहा है। चलो पहले तो समझो, ये स्पॉट राउंड एलोकेशन कम एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अनाउंसेस शेड्यूल फॉर स्पॉट राउंड 1 एलोकेशंस कम एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट इन वेरियस कॉलेज फॉर द एकेडमिक सेशन। याद रखिएगा, आपको उसी कॉलेज में सीट मिलेगी जिसमें वैकेंट सीट रहा होगा, जिस कोर्स में वैकेंट, ये नहीं कि आप जो पसंद कर रहे हो कोर्स उस कोर्स में आपको मिल ही जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस कोर्स में सीट खाली रहेगी उसी सीट की स्पॉट राउंड आ रही है, ठीक है? टोटल कंफर्म सीट, अभी तक टोटल कंफर्म सीट हुई है आपके 72,263। अब आप सोचो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा था कि हमारे पास 71,000 ही सीट है, पर अभी तक टोटल कंफर्म सीट 72,263 सीट्स आए हैं निकल के, ठीक है? शेड्यूल फॉर स्पॉट वन राउंड की बात कर लें तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट आपकी शो करेगी 18 सितंबर वेंसडे को। याद रखिएगा कि 18 सितंबर वेंसडे यानी परसों आपका वैकेंसी डिस्प्ले होगा। और अभी भी जिन बच्चों को विड्रॉल करना है तो 17 तक आपके पास टाइम है, 17 तक आप विड्रॉल कर सकते हो, उसके बाद स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो याद रखिएगा कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आपका शो होगा 18 सितंबर को। कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड 1 फ्रॉम दियर डैशबोर्ड, अपने डैशबोर्ड पर ही आपको शो हो जाएगा स्पॉट राउंड के लिए आपको अप्लाई करना है। जिन बच्चों ने अभी तक, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जो चाह रहे कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है, तो उन बच्चों के लिए ही है। डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन होगा आपका सैटरडे को, यानी कि 21 सितंबर को आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा लोकेशन का। ये लास्ट आखिरी मौका है, तो इसमें बिल्कुल कोई मिस्टेक मत करना। प्रेफरेंस अच्छी बनाना, चेक कर लेना कि कौन कौन से प्रोग्राम बचे हुए हैं, कौन कौन से कॉलेजेस खाली, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस बनाना और सही सही भरना। कोई डॉक्यूमेंट में गलती मत करना, हर एक चीज़, क्योंकि हो सकता है ये आखिरी मौका, इसके बाद ना मिले, ठीक है? कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, आपको सितंबर 21 तक का टाइम दिया गया है एक्सेप्ट करने का। कॉलेज टू वेरीफाई अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 तक हो जाएगा, 21 से लेकर 23 तक चलेगा ये। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट होगी आपकी 24 सितंबर तक, लास्ट डेट रहेगी 24 सितंबर को आपको फी पेमेंट करने का, उसके बाद फिनिश, उसके बाद आपको एडमिशन करना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बाकी सब कुछ है, मैम संभाल लेंगे। बस आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करो, मैम हर एक चीज़ का रिप्लाई करती है। इवन आपको तो व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक चीज़ बताया हुआ है, वहाँ जाकर हेल्प लो, हमारी टीम आपको हर एक चीज़ से हेल्प करेंगी। अगर जो न्यू बच्चे वीडियो देख रहे हो तो न्यू बच्चों के लिए भी मैं कह दूँ कि हमारी टीम आपको हर एक चीज़ की प्रिपरेशन करवा रही है। बस आपको अल्फा बैच ज्वाइन करना है, एनरोल करना है, आपकी डोमेन की, जीके की, इंग्लिश की, हर एक चीज़ की तैयारी शुरू हो चुकी है। इवन टेस्ट सीरीज तक लगाना शुरू हो गया, तो अभी से प्रिपेयर करोगे तो मई तक एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, एग्जाम दे पाओगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। क्योंकि 2022, 2023 और 2024 में हमारे काफी हजारों बच्चे आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमने पढ़ाया है। हमारे मैक भैया ने आपकी बहुत हेल्प की, हमने यूट्यूब पे भी लास्ट ईयर फ्री ऑफ वीडियो निकाले थे, सारे स्टैटिक जीके वगैरह सब कुछ कवर करा था। और इस बार भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ स्टैटिक वाला। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो मिस हो जाती है, जैसे डोमेन सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें हमारे अल्फा बैच में प्रोवाइडेड है। आप अल्फा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे आप बस को टेक्स्ट करना है, बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है?
चलो, कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर CSS UG 2024 बट आर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज ऑन 5 सितंबर, सितंबर 17 तक अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप विड्रॉ करके फिर से आप स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकते हो. द डैशबोर्ड ऑफ ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट्स विल कीप्ड इन फ्रीज मोड एंड विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ द ईयर आफ्टर 5 सितंबर. अगर आपने फ्रीज मोड पर रखा हुआ है, आपने नहीं डाला है, तो अगर विड्रॉल नहीं करा है तो उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा. टू बी कंसिडर्ड इन द स्पॉट राउंड द कैंडिडेट विल हैव टू बी ऑफर स्पॉट राउंड थ्रू हिज डैशबोर्ड. अ डिजीजियस स्टूडेंट कैंडिडेट्स विल बी एबल टू सेलेक्ट ओनली दोज प्रोग्राम बस कॉलेज कॉम्बिनेशन वेयर द सीट्स आर वैकेंट एज पर देयर कैटेगरी. आपके कैटेगरी के अनुसार जो कॉलेजेस और सीट्स बाकी है उस पर ही आप वैकेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो स्पॉट राउंड के लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू दियर लॉकेट सीट इन स्पॉट राउंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पॉट वन में आपको जो भी सीट अलोकेट हो रही है आपको वो एक्सेप्ट करना है. आप अपग्रेड के लिए नहीं डाल सकते उसको, याद रखिएगा. या तो आप छोड़ ही दोगे या तो फिर एडमिशन ही ले लोगे. तो ये एक्सेप्ट करना बहुत मैंडेटरी है, आप एकदम उसको मिस मत करना. मैं बार बार कह रही हूँ कि हो सकता है ये आखिरी होगा, आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा. अपग्रेड नहीं होगा, फ्रीज नहीं होगा, मतलब लाइक फ्रीज करके आपको एडमिशन लेना ही है. वो आपका कन्फर्मेशन है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन ही लेना, कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आएगा. फेलियर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट इन द स्पॉट राउंड विल बी फोर्टिफाइड द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू UOD एंड शी विल बी आउट ऑफ CSE's usage 2024. देर विल बी नो ऑप्शन ऑफ अपग्रेड एंड विदड्रॉ ड्यूरिंग द स्पॉट राउंड. कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके अपग्रेड का और विदड्रॉ का, जो एक्सेप्ट करोगे वही होगा. ड्यूरिंग द स्पॉट राउंड एडमिशन द सीट एलोकेटेड इन अ पर्टिकुलर स्पॉट राउंड विल बी फाइनल एंड विल नॉट बी अपग्रेड इन एनी सबसिक्वेंट राउंड्स ऑफ स्पॉट एडमिशन. इसके अलावा भी अगर कोई स्पॉट राउंड आता है तो उसके अलावा भी कोई भी अपग्रेड या विद्रॉल का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा. आपको बस एक्सेप्ट करना है, उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ मुझे, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ. अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है आपको स्पॉट राउंड को समझने में या किसी चीज़ की भी कोई भी परेशानी, ठीक है. बाकी सारी ऑथेंटिक अपडेट मैं इसी चैनल पर डालती हूँ. चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो और मैम को भी अच्छे अच्छे कमेंट करके मोटिवेट करो. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ गुड डे. बाय बाय.